केकेआर इस मैच को 106 रन से जीती है। अमूमन देखिए 270 रन टी20 फॉर्मेट में चेज नहीं होते। जब केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो मैं खुद हैरान था, भाई विशाखापट्टनम जैसी पिच पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला, कहीं ये बैकफायर ना कर जाए केकेआर टीम के लिए। लेकिन जो सुनील नारायण की बैटिंग थी उसके बदौलत केकेआर जो है 270 रन बनाए, 270 रन। दिल्ली कैपिटल की बॉलिंग को लेकर सवाल उठते हैं। लास्ट टाइम जब चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेल रहे थे तो 180 रन डिफेंड की थी दिल्ली की बॉलिंग, लेकिन आज कुछ अलग ही देखने को मिला हमें। अगर दिल्ली कैपिटल चाहती तो मुंबई इंडियंस की तरह फाइट करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली कैपिटल की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना मुंबई इंडियंस की। इसके वजह से दिल्ली को एक हुमंगस 106 रन से जो है हार मिली है। इनका नेट रन रेट भी गिरा है, वन साइडेड दिल्ली कैपिटल को हराया है केकेआर ने। एक भी मौका नहीं था कि केकेआर, मुझे लगा दिल्ली कैपिटल, मुझे लगा कि गेम में वापस है, गेम में है, एक भी मौका। जब पहले बॉल से जब मैच स्टार्ट हुआ आखिरी बॉल तक केकेआर जो है डोमिनेट परफॉर्मेंस की है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।